दिल्ली में बिजली कटौती से परेशान लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा। तुर्कमान गेट इलाके में लोगों का हंगामा। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क किया जाम। आधी रात को पूरे इलाके में हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली भी नहीं है, सब बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, गर्मी के अंदर भी लग रहे हैं। एक हफ्ते से कंटिन्यूस रात 10 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक लाइट जा रही है। दिन में 2 घंटे जाती है, रात में 3 घंटे। तुर्कमान गेट एरिया के लोगों का आरोप, कई दिन से झेल रहे हैं समस्या। 24 घंटे में से 10 घंटे ही रहती है बिजली। ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से जा रही है बार बार बिजली, लोगों का आरोप। कई बार शिकायत के बावजूद नहीं सुन रही है बिजली कंपनियां। राजधानी दिल्ली में बिजली कटौती से बुरा हाल। कई इलाकों में 2 घंटे से 10 घंटे तक कटौती से लोग परेशान। दिल्ली में बेतहाशा बढ़ रहे पारे के बाद बिजली गुल होने से लोग बेहाल। पूर्वी दिल्ली में बीती रात घंटों छाया रहा अंधेरा। पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली में भी पावर सप्लाई का बुरा हाल। कई इलाकों में दोपहर 12 से रात 11 बजे तक कटी रही बिजली। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया बवाना सर्किट 1 और सर्किट 2 में गड़बड़ी को वजह फॉल्ट दूर करने की कोशिश जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल का बयान, गड़बड़ी दूर होने तक रहेगी दिल्ली में बिजली की दिक्कत, समस्या जल्द दूर करने का दावा। रात में दिल्ली में बिजली ने रुलाया तो सूरज ने उगते ही अपना इरादा जाहिर कर दिया है। सुबह से ही हवा में गर्मी महसूस होने लगी है। दिल्ली में पारा आजकल 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून तक हाल यही रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 46 डिग्री रहने का अनुमान है। 8 जून और 9 जून को 45 डिग्री की गर्मी दिल्ली वालों को झेलनी पड़ेगी। 12 जून को सूरज कुछ नरमी दिखा सकता है, उस दिन तापमान 43 डिग्री रहने का अनुमान। मॉनसून भी देर से आने का अनुमान। मौसम विभाग का दावा, मॉनसून के लिए करना होगा जुलाई के पहले हफ्ते का इंतजार। दिल्ली से आगे बढ़े तो पूरे उत्तर भारत में सूरज आग उगल रहा है। चढ़ते पारे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजस्थान तो रिकॉर्ड तापमान के साथ धधक रहा है। श्रीगंगानगर में पारा 48 पार कर गया है। फिलौनी में अधिकतम तापमान 49 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी बुरा हाल है। हिसार में भी तापमान 46 के पार पहुंच गया है। चंडीगढ़ में भी 44 डिग्री के पार है तापमान। यूपी में भी गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। यहां सूरज की तपिश के साथ बिजली कटौती से बुरा हाल है। नागपुर में गर्मी से बेहाल है लोग, 45 डिग्री से ज्यादा तापमान। छत्तीसगढ़ में भी पड़ रही है जबरदस्त गर्मी। राज्य के 3 शहरों रायगढ़, कोरबा और रायपुर में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा। मोदी सरकार की महंगाई पर काबू पाने की कोशिश। कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने 11 बजे कई मंत्रालयों के सचिवों की बुलाई बैठक। बैठक में वाणिज्य और उद्योग, कृषि, वित्त जैसे आर्थिक मंत्रालयों के सचिव होंगे शामिल। बारिश में अनाज भंडारण पर भी चर्चा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज मुंबई का दौरा। वित्त स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में करेंगे शिरकत। वित्त मंत्री के साथ आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन भी होंगे मौजूद। बैठक में सेबी चेयरमैन समेत वित्तीय संस्थाओं को कई अधिकारियों करेंगे शिरकत। इस बैठक के बाद जेटली बतौर रक्षा मंत्री अपना पहला दौरा पश्चिमी नेवी कमान में करेंगे। आईएनएस विराट पर भी जाएंगे जेटली। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज राज्यसभा सदस्य पद के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। मध्य प्रदेश से भरेंगे पर्चा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह शपथ ग्रहण और मंत्रालय संभालने के बाद पहली बार करेंगे संसदीय सीट लखनऊ का दौरा। आज पार्टी कार्यालय में सम्मान समारोह।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज जाएंगे पटना। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद प्रसाद का पहला दौरा। केंद्र सरकार कर रही है नए राज्यपाल बनाने की तैयारी। मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह और यशवंत सिन्हा बनाए जा सकते हैं राज्यपाल। यूपी के बीजेपी नेता लालजी टंडन और केशरीनाथ त्रिपाठी का भी नाम। राम नाईक भी बनाए जा सकते हैं राज्यपाल। विजय कुमार मल्होत्रा का भी उछला नाम। आम आदमी पार्टी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज। नेताओं से इस्तीफे पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक शाजिया इल्मी को मनाने का जिम्मा अंजलि दमानिया पर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केजरीवाल ने रखा प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में हार और पार्टी के भीतर के उठापटक पर हुई चर्चा। पार्टी के अंदर के उठापटक पर आम आदमी पार्टी खामोश। बैठक के बाद नेताओं ने कहा पार्टी में कोई दरार नहीं। जिन लोगों ने भी और लोग हैं जो वॉलेंटियर्स हैं और लोग भी उनसे भी यही पार्टी निर्णय लेती है और यही निवेदन करना चाह रही है कि भाई जो लोग भी हैं वो आओ। जैसे आंदोलन में मर खप रहे थे और समाधान ढूंढ रहे थे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सबको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जेडीयू में जारी है बगावत। चार विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। आज नीतीश करेंगे नेताओं से मुलाकात। जेडीयू विधायकों का आरोप पार्टी में नहीं है लोकतंत्र, बाहरी लोगों को मिल रही है तरजीह। जो लोग बाहर से भाग करके आते हैं और उनको यहाँ एमएलसी बना दिया जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनाने का घोषणा कर दिया जाता है। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने दी लालू को नसीहत, कहा चाटुकारों से दूर रहे आरजेडी सुप्रीमो। लोग तो हैं जो रात को लालू जी दिन को दिन कहेंगे, रात दिन को रात कहेंगे तो रात कह देंगे, रात को दिन कहेंगे तो दिन कह देंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से दूर रहना होगा। हाँ निश्चित रूप। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले ने की मांग। हॉकी टीम के विदेशी कोच और विदेशी विशेषज्ञों को किया जाए बर्खास्त। वर्ल्ड कप में टीम का बुरे हाल से खफा है धनराज। पहले दो मैचों में हार, फिर स्पेन से मैच ड्रॉ के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर इंडिया। आईसीसी ने कहा संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन की जांच के मौजूदा तरीकों में खामी। एक्शन जांचने के लिए अधिकारियों को बायोमैकेनिक्स की जरूरत। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर मोनर सैमुअल्स का बयान। वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में स्लो पिच बल्लेबाजों के लिए होगी चुनौती। कप्तान नहीं बनाए जाने से दुखी हैं दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, लेकिन नए कप्तान हाशिम अमला को दिया मदद का भरोसा। बम धमाके में बाल बाल बचे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल अब्दुल्ला अब्दुल्ला। काबुल शहर में हुए धमाके में चार नागरिकों की मौत। लीबिया के त्रिपोली में जनरल खलीफा हफ्तार समर्थकों और विरोधियों में झड़प। दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी। यूक्रेन में लुहांस्क के हिंसाग्रस्त इलाके से निकाले गए सैकड़ों बच्चे। ट्रेन से बच्चों को सुरक्षित पहुंचाया गया ओडेसा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के शांति वार्ता प्रस्ताव का किया स्वागत। पुतिन ने कहा पहले दक्षिणी यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन रोके कीव, तभी होगी वार्ता। फ्रांस के नॉर्मेंडी में डी-डे पर मनाया गया समारोह। प्रिंस विलियम ने पत्नी कैथरीन सहित की शिरकत।